हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित यादव। आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे नई आरसी और पुरानी अपनी केटीएम आरसी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें दोनों के लुक्स की, तो फ्रेंड्स मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि कंपनी ने पता नहीं क्या सोच समझ के ये नई केटीएम का लुक निकाला है। जहाँ तक कंपेयर करें पुरानी केटीएम को, तो अभी अपन को देखने को मिल जाती है अपने रोड वगैरह पे, कहीं पर भी जाते हैं, पर मैंने कभी ये नई वाली केटीएम कभी चलती हुई नहीं देखी। कभी आपने देखी भी होंगी तो एक या दो देखी होंगी। और लोगों को ये इतनी बकवास लग रही है कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार ये क्या निकाल दिया। तो आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, बात करें अगर इसके इंजन की, तो नई केटीएम का इंजन आपको मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन, जो कि लिक्विड कूल के साथ आता है, जो कि मैक्स पावर देता है 25.8 पीएस और टॉर्क देता है 19.5 एनएम का। अपनी पुरानी आरसी की बात करें तो उसका भी सेम स्पेसिफिकेशन है, 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक डीओएचसी इंजन आता है, जो कि लिक्विड कूल के साथ आता है, जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 25.8 और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 19.5। तो दोस्तों, इंजन की बात करें तो दोनों के पावर भी सेम है, इंजन भी सेम है। दोस्तों, अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो अपनी न्यू केटीएम जो आ रही है उसकी फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है, उसकी टंकी में अपन 13 लीटर स्टोर कर सकते हैं, वहीं अपनी पुरानी वाली में अपन 9.5 लीटर तक ही स्टोर कर सकते थे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अपनी जो नई पुरानी वाली केटीएम थी उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा था नई वाली के बीच, नई वाली काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है। सस्पेंशन की बात करें तो दोनों का सेम है, ब्रेक भी दोनों के सेम है, वही ABS डुअल चैनल मिलता है और वही उनकी फ्रंट में 3.20 mm का आपको ये मिल जाता है फ्रंट डिस्क, और रियर डिस्क आता है 230 mm का। तो देखा जाए तो दोनों का बिल्कुल सेम है। टायर की बात करें तो टायर भी सेम है, वही 110/70 का फ्रंट टायर और रियर टायर है 150/60 का। कर्व वेट की बात करें तो दोस्तों, मैंने अपनी जहाँ तक नेट से नॉलेज ली है वहाँ से कर्व वेट अपनी नई वाली केटीएम का है 160 केजी का, और वहीं अपनी पुरानी वाली केटीएम का कर्व वेट था 154 किलो, यानी कि ये उससे ज़्यादा भारी है। बात करें दोस्तों इसकी स्पीड की, तो स्पीड दोनों की सेम है, टॉप स्पीड सेम बिल्कुल एकदम वही की वही है। प्राइस की तो दोस्तों, पुरानी वाली अपने को केटीएम जो कि डुअल चैनल ABS अपने को आ जाती थी करीबन 2,09,000 रुपए की, और नई वाली KTM आती है 2,13,000 रुपए की। तो दोस्तों, प्राइस इसके अप डाउन होते रहते हैं एरिया वाइज, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लें। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो दोस्तों, पुरानी वाली में अपने को एक सिंपल मिलता था डिजिटल मीटर, और नई वाली है ये थोड़ी एडवांस है, इसमें थोड़ा कलरफुल मीटर देखने को मिलता है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन थे वो दोनों इसमें सेम ही है, कोई थोड़ा बहुत ही अंतर है। 140 किलोमीटर पर आवर की दोनों की सेम स्पीड देखने को मिलती है। बात करें लाइट की, तो अपनी जो नई आरसी आ रही है उसमें लाइट आ रही है LED और प्रोजेक्टर भी LED मिलते हैं, वहीं अपनी पुरानी वाली में हैलोजन बल्ब मिलता था। दोस्तों, देखा जाए तो ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती जितना कि लुक्स मैटर करती है। लुक्स KTM ने बिल्कुल बर्बाद कर दिए नई KTM लॉन्च करके। और कंपेयर करें दोनों की साउंड की, तो नई वाली KTM की साउंड कुछ खास नहीं है, और पुरानी वाली KTM की साउंड से ही वो बाइक जानी जाती थी। अगर कहीं आसपास से भी गुजरती थी तो लोग आवाज़ सुन के बता देते थे, और नई वाली की तो इतनी बकवास आवाज़ है क्या बताऊँ मैं। दोनों की माइलेज की बात करें तो माइलेज भी दोनों की सेम है, 30 किलोमीटर पर आवर की दोनों देती हैं माइलेज, 30 किलोमीटर की मतलब। और गियर बॉक्स की बात करें तो दोनों में सिक्स गियर आते हैं, नई वाली में भी और पुरानी वाली में भी। तो ये छोटा सा मेजर कंपेरिजन था दोनों के बीच। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके हिसाब से कौन सी वाली KTM बढ़िया है, पुरानी या फिर नई। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।